हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राम स्वरूप और आज हम सीखेंगे एक कॉल्ड शोल्डर कुर्ती यानी कि कट आउट शोल्डर ड्रेस, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि इसका मेजरमेंट क्या है। टोटल लेंथ इसकी 35 इंचेस और शोल्डर इसके 16 इंच, 38.5 इंचेस इसका चेस्ट रखने वाला हूँ और 35 इंच इसका वेस्ट कमर। हिप्स है इसकी 43 इंची और आस्तीन इसकी इस टाइप से होगी 10 इंची और 11 इंची इसकी मोरी मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, ये तो एक नॉर्मली सा पैटर्न हो गया इस टाइप से, और इसका जो बैक नेक है वो नॉर्मली रखने वाला हूँ। 6.5 इंची फ्रंट का नेक रखूँगा और तख्ती वगैरह इसकी करीबन 6.5 इंची रखने वाला हूँ। तो ये मेरा पैटर्न होगा इस टाइप से। तो सबसे पहले इसकी टोटल लेंथ अपन लगाएंगे नीचे और प्लस मार्जिन करके। तो सबसे पहले निशान ये 8 इंची पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, ऊपर से लिया 8 इंची पे और ये बीच वाला जो कमर का निशान 14.5 इंची पे लगाने वाला हूँ, और ये तीसरा निशान 21.5 इंची पे लगा लिए हैं मैंने। ठीक है, और तीनों निशान लगाकर सीधी लाइन खींच लेनी है अपने को। 2.75 इंची अपने को गले का निशान, ठीक है, इस तरीके से। और शोल्डर इसका मैंने 16 इंची है तो मैं 8.5 इंची ले रहा हूँ, आधा इंची दब जाएगा तो 16 इंची फिक्स रहेगा। मैं बता दूँ आपको, ये जो मैं कुर्ता काट रहा हूँ इसका जो बैक नेक है वो नॉर्मली है, इसलिए इसके शोल्डर मैं पूरा ले रहा हूँ। अगर बैक डीप गला हो तो वो चीज़ अलग आएगी। तो ये तख्ती मैं इसकी करीबन 6.5 इंची या 7 इंची पे निशान लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये चलेंगे चेस्ट के ऊपर। तो इसका 38.5 इंची चेस्ट है तो इसमें प्लस 2 इंची करेंगे पहले, तो ये 40.5 इंची हो गया। तो 40.5 इंची का चौथा हिस्सा ये अपना कुर्ती का जो मेजरमेंट है यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और ऐसे ही कमर करेंगे। कमर जो भी आपकी हो उसमें पहले मैन्युअली नाप लें, वो फिक्स नाप लें, उसमें 2 इंची प्लस करें। ठीक है, ऐसे ही हिप्स में करेंगे प्लस 2 इंची प्लस करके जो भी आए उसका चौथा हिस्सा करके अपन ये निशान लगाएंगे। ये चौथा हिस्सा मैंने इस पर लगाया है। तो अब इस पर क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये निशान यहाँ तक और ये ज़रा सा अंदर की तरफ, अन्यथा ये कोना बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो इस तरीके से ये निशान अपने को लगाने हैं और ये हिप से कमर को मिलाना है और नीचे घेर इस तरीके से मिलाना है। घेर आपको हिप से थोड़ा 1 इंची ज़्यादा रखें, अंदर की तरफ न रखें। तो मैंने हिप से थोड़ा सा बाहर की तरफ इसका घेर रखा है। अब चलेंगे इसका जो कटिंग करने का, और इसमें जो शोल्डर मैंने करीबन 0.5 इंची डाउन किया है इस तरीके से, और इस पर सीधी लाइन मैंने ये खींच ली है। ठीक है, शोल्डर से सीधी लाइन तख्ती से मिला दिया है जो अपनी 7 इंची थी। तो ये एक बार आप नाप लेते हैं तो उसके मैनुअल नाप ले लें तो उस हिसाब से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा मैंने मार्किंग लगा लिया है पहले, ये अंदर वाला डीप कटिंग फ्रंट हो जाएगा और ये बाहर वाली कटिंग मेरी डीप बैक हिस्सा हो जाएगा। अब इसका जो अंदर वाली कटिंग का शेप किस हिसाब से देना वो देख लें। इस तरीके से ये शेप मिलाएं आप, ठीक है, इस तरीके से राउंड शेप देखें, ये फ्रंट वाला हिस्सा हो जाएगा और ये बैक वाला। तो दोनों पार्ट में एक साथ काट रहा हूँ, इसमें बैक और फ्रंट मैंने वी सेंटर करके उनको बिछा रखा है, लय लगा रखी है। तो ये मेरा मार्किंग हो चुका। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग इस तरीके से, बाहर वाले हिस्से पे आप कटिंग करें और यहाँ से करीबन 2 इंची एक्स्ट्रा या 1.5 इंची एक्स्ट्रा ही काटें। तो फिक्स मार्जिन के अलावा आपको रखना ही रखना पड़ेगा, टाई ढीला हो तो उसको लूज वगैरह आप कर सकें, और इस तरीके से आप कुटका लगा लें। तो ये मेरे दोनों पार्ट एक साथ कट गए हैं, बैक और फ्रंट। ये देखिए, ये बैक और फ्रंट हो गए। अब फ्रंट को मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ और इसकी डीप कटिंग कर लेता हूँ। ये ध्यान रहे, आप जब भी काटें तो आप अलग अलग काटें, आपको फर्स्ट टाइम काट रहे हैं तो, अन्यथा आप डीप कटिंग काट देंगे तो गलती हो जाएगी। तो मैं एक साथ काट रहा हूँ इसलिए आप अलग अलग ही काटें। तो ये मेरा एक फ्रंट हो गया और एक हो गया बैक। ठीक है, ये 2.75 इंच का निशान है तो ये ऐसे ही करके इसका बैक गला नॉर्मली काट लेते हैं। इस तरीके से स्थिति निशान लगा लेते हैं, करीबन 3 इंची डीप में नॉर्मली नेक काटूँगा, ये 2.75 और ये 3 इंची इसमें गोलाई दे देते हैं। ध्यान रहे, बैक गला डीप नहीं हो तो आपको शोल्डर पूरे ही रखने हैं, अगर डीप गला बैक है तो आपको शोल्डर कम रखने पड़ेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये चीज़ है, और ऐसे ही इसके दूसरी तरफ निशान लगा लेते हैं।
ऐसे कैसे, ये निशान लग गए हैं। ठीक है, तो ये तो अपनी कुर्ते की कटिंग हो गई। अब इसकी स्लीव काट लेते हैं, जो बोलते हैं कट ऑफ शोल्डर, कोल्ड स्लीव। ठीक है, तो कोल्ड शोल्डर कुर्ती, तो ये टोटल लेंथ ले ली मैंने, आगे मार्जिन का हिस्सा ले लिया और 3.5 इंची पे निशान लगाया, ये वाला सीधी निशान खींच लिया है। ईजिली आप बिछा लें इस तरीके से, कपड़ा बिछा रखा है और 7.5 इंची निशान लगाया, ये मोरी का आधा हिस्सा, और इसको यहाँ से मिला देना है इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा आगे से लेके ये शेप दे लें। पहले एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है ये इंच टेप से सीधी लाइन खींचें और इसका बीच सेंटर कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच सेंटर कर लें, और जो लाइन है उससे 1/2 इंच बाहर की तरफ और 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लें, तो बाहर वाला बैक हो जाएगा और अंदर वाला फ्रंट हो जाएगा, इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये दूसरा तरीका है आसानी से, तो बाहर वाले हिस्से पे ही कटिंग करेंगे पहले। दोनों पल्ले एक साथ हैं अपने, दोनों आस्तीन एक साथ बिछा रखी है, एक साथ तय लगा रखी है, तो ये बाहर वाला हिस्सा अपन ने ये काट दिया। ठीक है, कुटके लगा लिए, ये फिटिंग का कुटका आ गया। अब इसमें जो डिजाइन है इसकी, ये इस तरीके से इसमें कोल्ड स्लीव जो होती है अपनी, पैटर्न अलग अलग बहुत से हैं, 2-3 पैटर्न होते हैं इसमें, एक राउंड बीच में भी कट किए जहाँ 3 इंच निशान लगाया वहाँ से, और एक या इस तरीके से, तो फिलहाल मैंने इस तरीके से काटा है। और ये फ्रंट आस्तीन की डीप कटिंग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रंट वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये अपने एक आस्तीन भी कट चुकी है और करीब करीब कुर्ता अपना कोल्ड शोल्डर कुर्ती कटिंग हो चुकी है, कट ऑफ शोल्डर ड्रेस अपनी कट चुकी है। एक डिजाइनर ड्रेस है ये, डिजाइनर कुर्ती है, कमीज है, तो इसको इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिच कर लेते हैं सिलाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नेक बनाएंगे। कपड़ा लिया, बुकरम में बना लें, फेजिंग में बना लें, तो मैं फ़िलहाल इसमें एक ईजिली से कपड़े को नीचे रखा और इसके पास में सिलाई लगा के इसको पलट देता हूँ इस तरीके से। एक बूंट का दबाव रखूँगा, ठीक है, इस तरीके से एक बूंट भर का दबाव, और इसमें कुटके लगा देते हैं सिलाई तक, सिलाई कटे ना ये ध्यान रखें इस तरीके से। और जो बाहर कपड़ा बच रहा है उसको 1 इंची का कपड़ा काट लें और पक्का कर लें, तो ठीक है, ये नेक अपना बन चुका है। बैक में एक उरेब की पट्टी लेते हैं, उरेबी पट्टी तिरछी खींचने वाली, और इस पर लगा लेते हैं। तो मैंने ये पट्टी लगा दी है इस पर, और इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पक्का कर देंगे। तो अब इसके शोल्डर कर लेते हैं, शोल्डर में डबल सिलाई लगाऊंगा मैं, वही एक बूंट भर का दबाव, 1 सेंटीमीटर का दबाव लगा लें आप इस तरीके से, ये शोल्डर हो जाएंगे अपने, डबल सिलाई ही लगाएं आप। ठीक है, ये हो चुका, थोड़ा सा कि कुटके से काट दें और ये इसको पक्का कर दें या हैंगिंग तुरपन करवा दें, तो मैं इसमें सिलाई ही लगा देता हूँ फिलहाल, बल्कि मैं हमेशा हैंगिंग करवाता हूँ, तुरपन करवाता हूँ। ठीक है, अब चलेंगे इसके आस्तीन की तरफ, शोल्डर हो चुके, अब आस्तीन की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ पट्टी लगाएंगे अपन इस पर, ये मैं क्रीम कलर की मैचिंग दे रहा हूँ इसमें, तो ऑफ वाइट जो पट्टी है ये क्रीम कलर की, तो ये पट्टी आगे की तरफ, और जो ये अपन ने कटिंग की है इसका शेप है, इसमें भी मैं एक बढ़ती हुई पाइपिंग ही सेट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने पट्टी ये लगा दी है दोनों आस्तीन पे, और अब ये मैंने एक उरेब पट्टी काट ली है और जॉइंट एक उरेबी पट्टी ले ली है। अब इसमें मैं लगाऊँगा अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि जो रॉन्ग साइड है उससे राइट साइड की तरफ, उल्टी साइड से सुलटी साइड की तरफ पट्टी में लगाऊंगा, डबल में लगाऊंगा, और मैं इसको थोड़ी सी पाइपिंग हिसाब में ही शो करूंगा, पाइपिंग टाइप में। तो ये आप चाहें तो डोरे वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैं इसको डबल पकड़ा मैंने पट्टी को, और एक पैर का सिलाई में इसको अटैच कर देता हूँ, इसको एक पैर की सिलाई ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाएं इस पर, तो अन्यथा मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। तो एक पैर जो मशीन का बूट है उसको एक पैर बोलते हैं, सिंगल वाला एक पैर। ठीक है, ये सिलाई लग गई, नाखून से एक तरफ कर लें इसको दबाव को इस तरीके से।
अब इसको पक्का कर लेते हैं, इसी सिलाई जहाँ सिलाई अपन ने लगाई है उसी के ऊपर इसको पक्का कर लेते हैं, दबाव इतना ही दे जितना पक्का हो जाए, इस तरीके से इसको पक्का कर लेते हैं। एकदम नोक की सिलाई में सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी, जैसे कंप्यूटराइज सिलाई आती है उस टाइप से आपको सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है और बराबर लगानी है, तो ये पाइपिंग की तरह दिखने लग जाएगी। तो ये बार क्या है कि ट्रेंड में चल रही है, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो कोल्ड शोल्डर स्लीव यानी कि कोल्ड शोल्डर कुर्ती का बना ही देता हूँ। तो ये बाकायदा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर से समझ में आएगा, गौर से देखेंगे तो ज़रूर से समझ में आएगा किस तरीके से हम कटिंग करते हैं, स्टिच करते हैं और किस हिसाब से बता रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान रखें तो ज़रूर से बिल्कुल से समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ पहुंच सकते हैं। तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, तो ये मैं बीच में बता देता हूं आपको अच्छा लगे तो। तो यहां से इसको अटैच कर देंगे और आस्तीन चढ़ाएंगे, इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव जो हैं उस पर पट्टी लगा लेनी है आपको। ठीक है, पट्टी लग चुकी है अपनी उरे भी और स्लीव बन गई है। अब इसकी आस्तीन जोड़ लेते हैं, सामने का हिस्सा सामने से डीप कटिंग की हुई है फ्रंट में और कुर्ते में और स्लीव में, तो वो जोड़ लेते हैं। ये दोनों आस्तीन मैंने इसमें अटैच कर दी है, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, दोनों स्लीव्स मैंने लगा दी है। अब चलेंगे इसकी साइड कर लेते हैं, अब थोड़ा ही काम बाकी है इसमें तो इसकी साइड कर लेते हैं। मार्किंग लगा रखा है, ये नीचे वाला हिस्सा जो हिप्स का है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर, और ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक। एक सिलाई तो जो मार्किंग कर रखी है इसी के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई इसके जस्ट एक पैर की सिलाई छोड़ के बाहर की तरफ लगाएंगे, उधर जिधर 2 इंची मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, तो कभी टाई ढीला हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, तो दो दो सिलाई हमेशा लगाते हैं। तो सिलाई मैंने लगा दी और साइड भी इसकी कर दी है। अब इसके मोड़ लेते हैं चौक, चौक के हिसाब से हम मोड़ने हैं, आपको इजीली तरीका है। इस तरीके से स्टार्ट करें और 1 सेंटीमीटर चौड़ा ही चौक मोड़ें, इस पर आप चाहें तो तुरपन भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं सिलाई में ही बनाने वाला हूँ। इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को खींच के न रखें, नीचे वाले को हिस्से को खींच के रखें, जो मेन पीस है इस तरीके से चौक को यहाँ से घुमा दें और यहाँ से घुमाकर इसको यहाँ सुई पे रोक के नीचे की तरफ ले आते हैं। तो इस तरीके से अपने चौक मुड़ जाएंगे, इसके साइड चौक कुर्ती के दोनों तरफ से मोड़ लें आप, और ऐसे ही करके दूसरी साइड मोड़ लें, ऐसे ही जितना दबाव अपन ने छोड़ा था उतना इसके अंदर दबा के मोड़ लें। और अब इस चौक के ऊपर टॉप स्टिच की सिलाई और लगा देते हैं, एक नोक की सिलाई। ठीक है, अगर कुर्ते फलके आपका घेर थोड़ा उरे भी हो या ज़्यादा हो फलके तो पीछे अंगुली लगा सकते हैं, तो उससे घेर स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये देखिए मैंने साइड चौक भी मोड़ दी है और नीचे की मुड़ाई भी मैंने कर दी है। तो इस तरीके से अपना एक कोल्ड शोल्डर कुर्ती बन के तैयार है और एक डिजाइनर कुर्ती बन के तैयार है, ये देखिए परफेक्टली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें नहीं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।